भैया अगर मैं आगे चली गई तो कोई जानवर तो नहीं आएगा ना, सेफ रहेगा ना? नहीं नहीं मैम, सेफ रास्ता है, बढ़िया सा है। पक्का? तो जा रही हूँ मैं। हाँ जाओ जाओ। ओके। हेलो दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और आज मैं आई हूँ गुजरात राज्य के नेत्रांग के क्लब महिंद्रा रिसोर्ट में और यहाँ पर मैं शायद 2-3 दिन ठहरने वाली हूँ क्योंकि हमारा एक नाइट का बुकिंग अभी कंफर्म नहीं हुआ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि शायद 2-3 दिन। वैसे मैं बाहर जा रही हूँ अभी आपको दिखाने के लिए। फाइनली हम अभी गेट पर पहुँच गए हैं और ये मैं आपको दिखा रही हूँ सबसे पहला एंट्रेंस। मतलब ये देखिए, यहाँ पर मेन सड़क आ गई है। अब मैं रिसोर्ट के पूरी तरह से बाहर हूँ, यहाँ से गाड़ियाँ आती जाती दिख रही है। यहाँ से फिर एंट्री होती है हमारी क्लब महिंद्रा के अंदर। ये देखिए इसका मेन बोर्ड, ये देखा आपने, अब मैं एकदम बाहर हूँ और मैं दिखाती हूँ आपको पूरी पहली एंट्री से कि कैसा है ये रिसोर्ट। देखिए ये अब हम एंटर होने जा रहे हैं और ये यहाँ पर खड़े हैं हमारे सेफ गार्ड, वॉच गार्ड, आप जो भी बोल सकते हैं, जो इस पूरे रिसोर्ट में कौन अंदर आता है कौन जाता है उसकी सारी खबर रखते हैं। और अब ये भैया रास्ता कहाँ तक होगा? कम से कम 1 किलोमीटर हो जाएगा अंदर पहुँचते 300-350 मीटर। चलो भाई, रास्ता तो छोटा है पर हमें बड़ा लग रहा है, अब देखते हैं अंदर। ये देखिए पूरा जैसे एक जंगल में है प्रॉपर्टी जहाँ पर आपको सारी सुविधाएं मिलती है। तो देखते हैं अंदर जाके क्या क्या मिलता है यहाँ पे। काफ़ी इंटरेस्टिंग रास्ता है, मतलब चारों तरफ आपको जंगल दिख रहा है। सुबह के बजे अभी 8:30 और एकदम शांति है। ये गेट से चलते चलते हम इतने आगे आ चुके हैं। ये देखिए हर जगह पे सन्नाटा है, सिर्फ पक्षियों की चरपराहट और हाईवे पे आती जाती गाड़ियों की आवाज़ के अलावा कुछ भी नहीं सुनाई दे रही है। रास्ता आगे बढ़ता जा रहा है, मैं आपको अब फाइनल गेट पर पहुँच के दिखाऊँगी। फाइनली 350 मीटर खत्म होने आ रहे हैं, जितना हम चल के गए थे उतना अभी वापस भी पहुंच रहे हैं। और ये देखिए ये दूसरा गेट आ गया है जहां से हम अभी अभी गए थे। फाइनली हम पहुंच गए हैं रिसोर्ट के मेन एंट्रेंस, मतलब सेकंड एंट्रेंस गेट पे, जहां से ये दिख रहा है पूरा पार्किंग। और ये देखिए कितनी बढ़िया सुविधा की है इन लोगों ने, पार्किंग के ऊपर ही सोलार रूफ बनाया है तो गाड़ियों को ना धूप में रखना पड़ता है, बारिश में भी फ़ायदा होता होगा और रिसोर्ट के लिए काफ़ी हद तक बिजली भी मिल जाती होगी। आगे चल के ना ये पूरा पार्किंग लेफ्ट और राइट हिस्सों में बट जाता है और ये जो सामने देख रहे हैं ट्रायंगल, ये पूरा सजावट है। और ये देखिए सुबह सुबह सारा स्टाफ मेंटेनेंस में जुट जाता है, पूरा लांघ के जाना पड़ेगा। ये मैंने घूम लिया है और अब आ रहा है इसका फाइनल एंट्रेंस। ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक ऑटो भी है और इसका मेन एंट्रेंस देख के लग रहा है ना कि ये फॉरेस्ट एरिया में है, तो पूरा फॉरेस्ट थीम दिया गया है। ये देखिए सारा वुडन, हर दीवार पे देखिए आप, फर्नीचर में देखिए, यहाँ तक कि इसका ये जो हैंडल है वो तक शेर के मुंह का बनाया गया है। और ये डोर ओपन करते ही ये देखिए कितना डिसेंट लुक आ रहा है, एकदम फॉरेस्ट थीम पे, मतलब ये शब्द नहीं है इसको बताने के लिए। ये है पूरा रिसेप्शन एरिया जिसकी दाईं और बाईं दोनों तरफ ढेर सारे रूम है और जिस दरवाजे से हम एंटर हुए बिल्कुल उसके सामने है एक और दरवाजा। और ये देखिए ये सुबह से बिजी चेक इन चेकआउट में रिसेप्शन। भैया सुबह से इतना काम रहता है आपको हमेशा? अरे वाह। और ये देखिए गजीबो के आसपास की रूम और गजीबो का नजदीकी एक नजारा। अब जिस गेट से हम एंटर हुए थे बिल्कुल उसके सामने वाले गेट से हम करेंगे रिसोर्ट एक्सप्लोर। दरवाजा खोलते ही दोनों तरफ आपको मिलेंगे चेस, सांप सीढ़ी और लूडो वाले अलग अलग टेबल और कुर्सियां और ठीक बिल्कुल सामने ही एक बढ़िया सा स्विमिंग पूल। इसकी दोनों तरफ से पगडंडियां निकलती है जिसमें से एक पगडंडी जाती है रात के डिनर के लिए ओपन डाइनिंग एरिया की ओर। और ये इतना खूबसूरत है, ये देखिए आप, बाहर बैठक व्यवस्था भी इतनी सुंदर बनाई गई है। और इस डाइनिंग एरिया को छूके निकलती है एक और पगडंडी जो हमें ले जाती है रिसोर्ट का एक गोल राउंड करवाने के लिए जहाँ पर है सारे स्पेशल विलास। मतलब बीच में है स्विमिंग पूल जिसकी एक तरफ है ओपन डाइनिंग एरिया, दूसरी तरफ है एक ओपन एक्टिविटी जोन और उसकी चारों तरफ बने हुए हैं ये सारे रूम। मतलब इतना सुंदर नज़ारा लगता है जब आप इस रिसोर्ट का विजिट करते हो, पूरा रिसोर्ट घूमते हो, तो बहुत ही बढ़िया नज़ारा आता है इसका। और ये जो पगडंडी है घुमा फिरा के हमें ले जाती है स्विमिंग पूल की दूसरी ओर जहाँ पर आता है इनका एक्टिविटी जोन और हैप्पी हब। यहाँ पर कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई टेनिस खेल रहा है, साइकिलिंग कर रहे हैं बच्चे, वॉल क्लाइंबिंग है, रैपलिंग है, फीड द मंकी है, एग द नेस्ट है और कई सारी आउटडोर एक्टिविटीज़ का पूरा लिस्ट है। और अब बारी आती है हैप्पी हब की। हम जा रहे हैं इसके अंदर ये देखने के लिए कि आउटसाइड एक्टिविटीज़ तो इतनी सारी है पर इनडोर एक्टिविटीज़ यहाँ पर क्या क्या है। चलिए, यहाँ पर है टैटू, फिर उसके बाद शुरू होता है कैनवास पेंटिंग, ग्लास पेंटिंग, स्टोन पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट। मतलब बच्चे भी खुशी से ये सारी एक्टिविटीज सुबह सुबह करने आ रहे हैं, ये बढ़िया है। इनके पिक्चर्स ये लोग सेल आउट भी करते हैं। इसके साथ यहाँ पे है जेंगा, पूल टेबल, एयर हॉकी, कैरम, फर्स्ट बॉल, प्लॉटफॉल, टेबल टेनिस, वर्चुअल स्काई डाइविंग, चेस जैसी अनेकों एक्टिविटीज़। आइए अब देखते हैं शाम का नज़ारा।
चाम का ना अपना एक अनोखा माहौल होता है। हर चीज चेंज हो चुकी है। स्विमिंग पूल अभी खाली पड़ा है, एक्टिविटी जोन सज चुका है पूरे तरीके से, और बस अब गेस्ट और उनके बच्चों का इंतजार हो रहा है। और दोस्तों यहाँ से शुरू होता है इनका एडवेंचर पार्क, तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। एंट्रेंस से तो ये काफ़ी लुभावनी और थोड़ी सी डरावनी जगह भी लग रही है कि पता नहीं यहाँ क्या क्या होगा। ये चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जंगल है, और ये जहाँ से हम आए, चलते हैं अब आगे। अब जब इसका नाम ही एडवेंचर पार्क है तो हम इससे और ज्यादा उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। काफी जर्जरी दिख रहा है, मतलब ये कोई बढ़िया एक्टिविटी तो बनाई है इन लोगों ने, पर हो सकता है कोविड में जो 2-3 साल बन रहा हो उसके बाद ठप हो चुका हो और फिर मेंटेनेंस करना अभी भी बाकी हो, ऐसा कुछ लग तो रहा है। ये देखिए, ये पूरा एक जाला बना के रखा हुआ है स्पाइडर वेब की तरह, रस्सियों का, जैसे कि पूरा एक लूप बनाया हो। अब जैसे इसको ही देख लीजिए, और ये कुछ टनल की तरह लग रहा है। दूर से देखा था वो नजदीक से इतना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। ये एक्टिविटी करने के लिए ना बॉडी की फिटनेस और दिमाग की हिटनेस दोनों जरूरी है। तो देखा आपने ये कितना इंटरेस्टिंग और एडवेंचरस लग रहा है, सही में मजा आ गया आउटडोर एक्टिविटी का। भले ना कोई एक्टिविटी नहीं की पर मजा बहुत आया। एडवेंचर पार्क तो मैंने आपको दिखा दिया, अब दिखा रही हूँ मैं यहाँ की रेस्टोरेंट, स्पाइस मल्टी क्यूजाइन रेस्टोरेंट। ये है इसका एंट्रेंस और ये है अंदर का इसका कुछ इस तरह का अरेंजमेंट। स्टाफ जुड़ा है गेस्ट को बेस्ट सर्विस देने की तैयारियों में, और किया गया है यहाँ पे बढ़िया सा डेकोरेशन। और ये है इसका दूसरा दरवाज़ा जो खुलता है ओपन डाइनिंग एरिया की ओर। आप देख सकते हैं कि पूरी फूड डिपार्टमेंट की टीम यहाँ पर शाम के उजाले से लगी पड़ी है डेकोरेशन में, स्क्रीन लगाने के लिए ताकि वर्ल्ड कप एंजॉय किया जाए। तो ये देख के समझ में आता है कि रात के डिनर की जो रंगत और रौनक है ना, वो शाम की इस मेहनत से ही रंग लाती है। बाय द वे मुझे मिला है ना यहाँ पर एक खजाना। तो दोस्तों आइए अब दिखाते हैं सेम डाइनिंग एरिया आपको ब्रेकफास्ट के टाइम पे। देखिए ये सब जुटे पड़े हैं, गर्मा गर्म जलेबी, वाफल, आमलेट और पता नहीं क्या क्या बनाने में। बहुत सारे जूसेस है, स्प्राउट्स है, फ्रूट्स है, मल्टी क्यूजाइंस है, मतलब ब्रेकफास्ट करो, ब्रंच करो, लंच करो, सारे ऑप्शंस ब्रेकफास्ट में ही आपको अवेलेबल है। तो सोचो लंच और डिनर में यहाँ पर क्या क्या मिलता होगा। इतना दमदार फूड दिख रहा है और टेस्टी भी इतना रहता है कि मन करता है कि बस इसको खाए ही जाए। बच्चों के लिए सीरियल्स, जाम, कई तरह के दूध, डोसा, इडली सांभर, सब कुछ अवेलेबल हो रखा है यहाँ पे। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको हमारी रूम। ये देखिए फिर से आ गया है ऑल टाइम बिजी रिसेप्शन एरिया, जहाँ पर हर वक्त सब काम में जुटे रहते हैं, भीड़ ही रहती है। ये है, वैसे हमको ये रूम का ऑप्शन भी मिला था जो विला में आता था, पर इसमें किचनेट नहीं था तो हमने सिलेक्ट किया दूसरा ऑप्शन। तो फाइनल हम पहुंच गए हैं जहां पे मुझे जाना था, और मैं दिखा रही हूं आपको एक रूम टूर। तो दोस्तों रूम में एंटर होते ही है ये सोने की सुविधा, और ये है छोटा सा किचन कंपार्टमेंट, और ये है डाइनिंग एरिया, ये हो गया वॉशरूम, और ये टीवी, और ये मुझे लगा था होगी एक बड़ी सी खिड़की, पर पर्दे खोलने के बाद पता चला कि ये एक दरवाज़ा है जिसको मैंने खोल के देखा तो मुझे समझ में आया कि ये एक पूरी प्राइवेट गैलरी है जहाँ से बाहर का पूरा व्यू मिल रहा था। और फाइनली यहाँ पर ये रूम टूर होती है ओवर। अब देखते हैं रिसोर्ट की रात की रंगत। ये देखिए सब लोग जो सुबह टेबल खाली पड़े थे उसको ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं, और मज़े से ये जो सारी गेम्स है खेल रहे हैं। रूटीन लाइफ की सारी थकान बाजू पे रख के स्विमिंग पूल में भी बच्चे आ गए हैं खेलने के लिए, और हर तरफ आज नज़र आ रही है रात को रोशनी। बढ़िया सा माहौल सजा है, सब अपनी अपनी बातों में, अपने अपने खेल में, अपनी अपनी मस्ती में बिजी है। पीछे से डीजे भी बज रहा है और रिसोर्ट का हर कोना रोशनी से चमक रहा है। और अब फाइनली मैं आपको दिखा दे रही हूँ क्लब महिंद्रा की पर्सनल ऑफिस, जहाँ पर आए हुए गेस्ट की कोई भी क्वेरी का एक पॉजिटिव सॉल्यूशन लाया जाता है। तो दोस्तों लास्ट में मैंने
यहाँ के टीम मेंबर्स के साथ खिंचवा ली एक बढ़िया सी फोटो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इस रिसोर्ट की टूर आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, अपने सुझाव दीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल माई मूड स्विंग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम।